दोस्तों फिल्म इंडस्ट्री में काम मिलना इतना आसान नहीं है। यहाँ पर छोटा सा काम पाने के लिए भी सालों लग जाते हैं। टैलेंट होने के बावजूद भी काम नहीं मिलता। ये जो फिल्म दुनिया है ना, यह संघर्ष मांगता है, लेकिन यहाँ कोई संघर्ष नहीं करना चाहता। हर किसी को रातों रात स्टार बनना है और पैसे कमाने हैं, चाहे उसके लिए उन्हें कुछ भी करना क्यों ना पड़े। ऐसे कई सारे एक्ट्रेस हैं जो फिल्म दुनिया में आए और कम समय में ही नाम और शोहरत कमा ली। लोगों को समझ ही नहीं आया कि आखिर ऐसा हुआ कैसे। इस लिस्ट में तो कई सारे एक्ट्रेस का नाम है, लेकिन आज हम बात करेंगे एक्ट्रेस दिशा पाटनी का। दिशा वैसे तो बॉलीवुड में टाइगर श्रॉफ की गर्लफ्रेंड के रूप में ज्यादा जानी जाती हैं, बजाय अपने एक्टिंग के, लेकिन इनके बावजूद इन्हें लगता है कि वे टॉप की एक्ट्रेस बन सकती हैं, जबकि अभी तक के अपने करियर में उन्होंने आज तक एक भी ऐसी फिल्म नहीं की है जिसमें उनकी एक्टिंग की तारीफ हुई हो। दिशा पाटनी का जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 13 जून 1992 को उत्तर प्रदेश के छोटे से शहर बरेली में। दिशा की फैमिली की बात की जाए तो उनके पापा का नाम है जगदीश पाटनी, जो एक पुलिस ऑफिसर हैं। इसके अलावा दिशा की माँ एक हेल्थ इंस्पेक्टर हैं। दिशा की एक बड़ी बहन है जो कि इंडियन आर्मी में है, और एक छोटा भाई है जो इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है। दिशा की पढ़ाई बरेली और लखनऊ से हुई है। दिशा ने अपने स्कूलिंग खत्म करने के बाद में लखनऊ से अमेठी यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया, लेकिन फर्स्ट ईयर करने के दौरान ही इन्हें मॉडलिंग के ऑफर आने शुरू हो गए थे और सेकेंड ईयर में इन्होंने कॉलेज ड्रॉप कर दिया। इसके बाद दिशा मॉडलिंग करने लगी। मॉडलिंग के दौरान दिशा की मुलाकात निशांत आर्य नाम के एक मॉडल से हुई। इनसे पहले दोस्ती हुई और दोस्ती प्यार में बदल गई। इन दोनों का अफेयर हालांकि बहुत ज्यादा लंबा नहीं चला और बहुत ही जल्दी खत्म भी हो गया। फिल्मी करियर की शुरुआत की बात की जाए तो 2015 में एक तेलुगु फिल्म आई थी जिसका नाम था लोफर। यह एक बड़ी बजट की फिल्म थी, लेकिन यह फिल्म सफल नहीं हो पाई। बॉक्स ऑफिस पर सुपर फ्लॉप साबित हुई। इस फिल्म के बाद दिशा ने भूषण कुमार की एक एल्बम सॉन्ग में भी काम किया। भूषण कुमार के बारे में पूरी दुनिया जानती है कि भूषण कुमार अपने बैनर में किसी बिना मतलब के किसी को मौका नहीं देता। फिल्म इंडस्ट्री में भूषण कुमार कास्टिंग काउच के लिए काफी ज्यादा बदनाम है। जिस समय दिशा ने भूषण के सॉन्ग में काम किया, उस समय खबर ये भी आ रही थी कि भूषण कुमार को अपनी एक नई डॉल मिल गई है। भूषण कुमार के साथ काम करने पर ही दिशा को अपनी पहली फिल्म मिली और फिल्म का नाम था MS धोनी। इसमें दिशा के साथ में लीड रोल में थे सुशांत सिंह राजपूत। सुनने को तो ये भी मिलता है कि ये फिल्म दिशा को भूषण के कहने पर मिली थी। हालांकि दिशा इन बातों को महज एक अफवाह बताती हैं। दिशा का कहना है कि इस फिल्म के लिए उन्होंने कई राउंड के ऑडिशन दिए थे, लेकिन सच क्या है ये दिशा ही जाने। खैर, MS धोनी को डायरेक्ट और प्रोड्यूस किया था नीरज पांडे ने, और नीरज पांडे भूषण कुमार के काफी अच्छे दोस्त माने जाते हैं, और यही कहा जाता है कि MS धोनी जो फिल्म है ये भूषण के कहने पर ही दिशा पाटनी को मिली है। भूषण कुमार के ऊपर कास्टिंग काउच के कई आरोप लग चुके हैं। ऐसा सेल्फिश इंसान बिना किसी मतलब के किसी नई लड़की को ना तो अपने किसी गाने में मौका देगा और ना ही किसी और फिल्म के लिए रिकमेंड करेगा। MS धोनी के समय में ये भी खबर आ रही थी कि दिशा का अफेयर पार्थ समथान नाम के एक एक्टर के साथ चल रहा है, लेकिन जैसे ही दिशा की पहली बॉलीवुड फिल्म हिट हुई तो दिशा ने पार्थ से रिश्ता तोड़ दिया। दोस्तों MS धोनी एक बड़ी मूवी जरूर थी, लेकिन इस फिल्म में दिशा का रोल उतना ज्यादा बड़ा नहीं था जिसमें कि दिशा को अपने टैलेंट दिखाने का मौका मिले। लेकिन दिशा को इस फिल्म के बाद आश्चर्यजनक रूप से एक चाइनीज मूवी में जैकी चैन जैसे मेगा स्टार के साथ काम करने का मौका मिल गया। जबकि जैकी चैन के बारे में यह कहा जाता है कि वह अपनी फिल्म में अच्छे एक्टर्स के साथ ही काम करते हैं, जबकि दिशा की सिर्फ एक मूवी रिलीज हुई थी, तो ऐसे में उसे अच्छा या बुरा कहना बहुत जल्दीबाजी होती। लेकिन बावजूद इसके इन्हें चाइनीज मूवी में जैकी चैन के साथ काम करने का मौका मिला, यानी इसे साफ है कि दिशा फिल्में झटकने के लिए शॉर्टकट का इस्तेमाल कर रही थी या फिर किस्मत की धनी थी। कुंफू योगा के बाद में दिशा ने बागी 2 में टाइगर के साथ में काम किया, और कहा जाता है कि यहीं से इन दोनों का अफेयर शुरू हुआ था। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर यह भी कहा जाता है कि टाइगर और दिशा का जो अफेयर है वो भूषण के एल्बम सॉन्ग के समय ही शुरू हो गया था, लेकिन सच्चाई जो भी हो,
चर्चा में इनका जो अफेयर आया था वो बागी 2 मूवी के दौरान ही आया था। दोस्तों देशा ने अभी तक कुल 8 फिल्मों में काम किया है, जिसमें से 5 फिल्में तो लीड रोल में हैं और बाकी जो 3 फिल्में हैं उसमें वो साइड रोल में थी। देशा एक फिल्म का 2 करोड़ रुपए चार्ज करती हैं, लेकिन इसके बावजूद देशा पाटनी का नेटवर्थ आज के समय में 12 मिलियन डॉलर है, यानी कि लगभग 90 से 92 करोड़ रुपए। चलिए मान लेते हैं कि 8 फिल्मों में उन्होंने 2-2 करोड़ के हिसाब से 16 करोड़ रुपए कमाए होंगे और साथ में कुछ एंडोर्समेंट किए होंगे, एडवर्टाइजमेंट किए होंगे, उसमें उनकी कमाई होगी लगभग 20 करोड़ रुपए। तो भी कुल मिलाकर देखो तो 16 और 20 लगभग 36 करोड़ रुपए होते हैं, लेकिन यहाँ पर इनका नेटवर्थ है 90 करोड़ से भी ज्यादा। आपको अच्छे से समझ में आए इसके लिए दिशा का कंपैरिजन एक्टर कार्तिक आर्यन से करके देखते हैं। दोस्तों कार्तिक आर्यन ने अपने करियर में अब तक 11 फिल्मों में काम किया है। कार्तिक एक फिल्म के लिए 9 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं और अभी कार्तिक का नेटवर्थ है लगभग 40 करोड़ रुपए। यानी इसे साबित होता है कि दिशा 6 वर्ष में इतनी ज्यादा संपत्ति इकट्ठा कर ले कि एक मेल एक्टर अपने 12 से 14 साल के करियर में भी इतनी संपत्ति इकट्ठा नहीं कर पाया। सवाल ये उठता है कि दिशा ने इतने कम समय में इतनी ज्यादा संपत्ति कैसे इकट्ठा कर ली, ये सवाल मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप इसका जवाब जरूर लिखना। दिशा ने अपने करियर की शुरुआत ही भूषण कुमार जैसे ठरकी के एल्बम से की थी। दिशा शुरू से ही प्राइवेट पार्टीज का हिस्सा रहने लगी थी। बड़े बड़े बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन के पार्टीज का हिस्सा बनने के लिए दिशा बहुत बड़ा अमाउंट चार्ज करती हैं। दिशा जितनी फिल्मों से नहीं कमाती उससे कहीं ज्यादा प्राइवेट पार्टियों से कमाने लगी हैं। इनके फिल्मी करियर की बात करें तो बागी 2 के बाद भारत मूवी में सलमान खान के साथ काम किया था और भारत फिल्म में दिशा का रोल बहुत छोटा सा था, लेकिन इस फिल्म से दिशा सलमान खान के ग्रुप का हिस्सा बन गई थी और सलमान खान की मेहरबानी का ही नतीजा था कि इन्हें सलमान खान के साथ में राधे मूवी में लीड रोल प्ले करने का मौका मिला। और ये सभी जानते हैं कि सलमान खान यूं ही किसी एक्ट्रेस पर मेहरबान नहीं होते हैं, कई एक्ट्रेस आज भी इनके तलवे चाटते हैं। लॉकडाउन में 2-2 महीने इनके फार्म हाउस में रहती हैं। सलमान खान अपने फीमेल दोस्तों को, खासकर हीरोइनों को, करोड़ों के फ्लैट गिफ्ट कर देते हैं। इन पर पानी की तरह पैसा खर्च किया जाता है और इसी ग्रुप में दिशा पाटनी भी शामिल हो गई हैं। सलमान खान ने अपनी फिल्म में दिशा को एक्टिंग स्किल देखकर नहीं लिया, आप तो जानते हैं कि एक्टिंग में कितनी अच्छी हैं वो। और वैसे भी सलमान की फिल्मों में सब कुछ सलमान खान ही तो करते हैं, हीरोइन तो बस नाम की रहती हैं। दिशा की पहली फिल्म छोड़कर उनकी ज्यादातर फिल्में फ्लॉप साबित हुई है, फिल्मों में इनका रोल नाम मात्र का रहता है। फिल्म बनाने वाले को भी पता है कि दिशा को एक्टिंग का ए भी नहीं पता, बस शो पीस के लिए रखना है, बॉडी एक्सपोज करवाना है, इसके साथ ही फिल्म मेकर की निजी ख्वाहिश भी पूरी हो जाती है, इसलिए इनकी एक्टिंग की तरफ खास ध्यान नहीं दिया जाता। और वैसे भी फिल्म इंडस्ट्री में एक्ट्रेस को एक्टिंग के दम पर काम नहीं मिलता, ये तो आप सभी जानते ही हैं। एक्ट्रेस को काम पाने के लिए प्रोड्यूसर डायरेक्टरों के साथ रात गुजारनी पड़ती है, जो कि यह एक कड़वी सच्चाई है। आपका क्या कहना है इस बारे में, आप कमेंट करके बताइएगा, क्या सच में फीमेल एक्ट्रेस को काम पाने के लिए प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के साथ सोना पड़ता है? इसके बारे में अपनी राय जरूर लिखिएगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना है।